जरूर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को लीड कर रहा है और वो सही चीज को उजागर कर रहा है। न्याय और अन्याय के तो दुनिया जानते हैं ना, वो न्याय न्याय के लिए लड़ाई कर रहा है। जिस प्रकार से राज्य में अन्याय हो रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से यूज एंड थ्रो हो रहा है, और वो कम से कम अपने कौम का ना अपना समाज को उठाने के लिए वो आवाज़ उठा रहा है और उसको दबाने चाह रहा है। लेकिन हमको नहीं लगता है सिद्दीकी दबने वाला है। उस इंसान इतना विश्वास के साथ आज जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आने वाला दिन वो जरूर जनता उनके साथ है और आने वाला दिन वो फिर से निकल के जनता का आवाज़ को उठाएंगे। माइनॉरिटी थोड़ा सा इसमें हैम्पर होगा तृणमूल के लिए? जरूर। जिस प्रकार माइनॉरिटी का केवल यूज एंड थ्रो हो रहा है, माइनॉरिटी का एज अ मिनिस्टर मैं माइनॉरिटी के लिए दूसरा स्टेट में कर पा रहा हूँ लेकिन अपने राज्य में कर नहीं पा रहा हूँ, ये सारा बहुत दुख की बात है। क्योंकि माइनॉरिटी का कुछ नहीं है, क्या है माइनॉरिटी का? सेंट्रल स्कीम का जन अली यूनिवर्सिटी, वो तो सेंट्रल का फंड से चल रहा है। आपने क्या किया है? एक अपने रेसिडेंशियल स्कूल बनाए हैं माइनॉरिटी रेसिडेंट, मैं दूसरा स्टेट में बना रहा हूँ, स्टेडियम बना रहा हूँ, 300 बेड का हॉस्पिटल बना रहा हूँ करोड़ रुपया दे के, कम्युनिटी हॉल बना रहा हूँ, वोमेन हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, यानी हुआ है यहाँ कुछ नहीं हुआ है। आप कोशिश किया कि जी मैं तो यहाँ का उनका मंत्री से बैठने के लिए कलकत्ता भी गया, उसको दिल्ली बुलाया, दिल्ली में आया नहीं, फिर मैं कलकत्ता गया वो ऑफिशियली मिलने के लिए, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं मिलना चाहा, फिर भी मैं किसी होटल में बुला के भी बैठा लेकिन वो भाग गया। अभी हम आपके साथ अगर कोई वीडियो क्लिप करके देख लेगा तो ममता जी हमें चेयर से उतार देंगे, फिर मिला ही नहीं। अरे भाई, केंद्र और राज्य सरकार मिलके अगर काम नहीं करेंगे तो लोगों का जनता का कैसे सेवा कर पाएंगे? जनता ने आशीर्वाद दिया है और उस आशीर्वाद को कम से कम जनता को तो दे कुछ बेनिफिट। ये हमने आज तक दुख के साथ कर रहे हैं। मैं इस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने राज्य के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि राज्य सरकार कुछ एक भी कहीं पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल तो मैं इतना सारा राज्य घूमता हूँ, पश्चिम बंगाल सबसे पिछड़ा है। एक समय में पूरा देश को नेतृत्व देता था पश्चिम बंगाल, आज सबसे पीछे है। इतना सारा डेवलपमेंट, आज पूरा माइनॉरिटी के लिए जितना सारा डेवलपमेंट है, आज पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी ने उनको इस जगह में तक पहुंचाया, लेकिन आज उस माइनॉरिटी के लिए एक भी डेवलपमेंट नहीं है। मैं दूसरा एरिया में जाके मैं करोड़ रुपये दे के मैं स्कूल कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल्स है ना ऐसा बड़ा बड़ा स्टेडियम बना रहा हूँ लेकिन यहाँ का माइनॉरिटी का कोई भी लाभ नहीं है।